जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। एक बार फिर से खाद्य तेलों के दाम में 25 से 35 रुपए प्रति लीटर तक उछाल आ गया है। 12 दिन पहले सोयाबीन का पैकिंग तेल 132 से 140 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, जो कि अब फुटकर में 175 रुपए तक मिलने लगा है। वहीं सरसों तेल 175 रुपए से बढ़कर 200 रुपए प्रति लीटर फुटकर में मिल रहा है। रूस व यूक्रेन से सनफ्लावर का तेल आता है। दोनों देशों के बीच युद्ध के चलते परिवहन सेवा प्रभावित होने के कारण सनफ्लावर तेल के दाम में भी 30 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं मूंगफली के दाम में भी 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले कोरोना संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होने से तेलों के दाम में 20 से 25 फीसद तक बढ़ोतरी हुई थी। सरकार ने रिफाइंड पाम तेल के आयात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। पाम तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी घटाई गई थी। इससे तेल के दाम कम हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर तेलों के दाम बढ़ गए हैं। थोक तेल कारोबारी इन तेलों के दाम बढ़ने का कारण खाद्य तेलों सहित तेल बनाने के लिए जरूरी सामग्री का आयात घटना बता रहे हैं। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि रूस व यूक्रेन के युद्ध के नाम से कुछ व्यवसायी अधिक लाभ कमाने के लिए मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इसलिए भी दाम में बढ़ोतरी हो रही है। जानकार कहते हैं कि थोक व फुटकर तेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय है, इसलिए मुनाफाखोरी करना व्यवसायियों के लिए आसान नहीं है। खाद्य तेलों के बढ़ते दाम का असर घर के बजट पर भी पड़ने लगा है। 5 सदस्य परिवार में महीने भर में 10 लीटर सोयाबीन का तेल लग जाता है। डेढ़ सप्ताह पहले 140 रुपए प्रति लीटर के भाव से 10 लीटर तेल 1400 रुपए का आता था। अब इतना ही सोयाबीन का तेल 175 रुपए के भाव से 1750 रुपए का आ रहा है। हर महीने 350 रुपए अधिक लग रहे हैं। घर का बजट बिगड़ गया है। रूस व यूक्रेन के युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होने से आयात घट रहा है। देश में 50 से 60% तक खाद्य तेल आयात होते हैं। समुद्री परिवहन सेवा प्रभावित हो चुकी है। इससे करीब 10 से 15% तक आयात घटा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहना होता है। यदि युद्ध बंद नहीं हुआ और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो खाद्य तेलों के दामों में 35 से 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को महंगाई से राहत मिलनी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।